एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में शूलिनी हिमाचल की नंबर वन यूनिवर्सिटी और देश की 39वीं सबसे बेहतर निजी यूनिवर्सिटी के रूप में उभरी है। ये बात शूलिनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीके खोसला ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष से इस यूनिवर्सिटी में योगा भी शुरू किया जाएगा, जिससे इस विश्वविद्यालय में साइंस व ज्ञान सामंजस्य होगा। टॉप 10 भारतीय यूनिवर्सिटियों और आईआईटी की तुलना में शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन ने शोध की गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी को 10 भारतीय सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों और 10 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक यूनिवर्सिटियों के बीच आंका जा रहा है। ये बात शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीके खोसला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। खोसला ने कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं और प्रति वर्ष 100 से अधिक फाइल पेटेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नवीनतम तकनीकों पर शोध कर रहा है और आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में योगा भी शुरू किया जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी में साइंस व ज्ञान का सामंजस्य रहेगा। खोसला ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 65% पीएचडी अध्यापक है जो छात्रों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं और एक पेटेंट जो काला जीरा से बार निर्धारित है वो हमारे हिमालय के ऊंचे स्थानों में होता है और उससे एक दवाई बनती है जो एक्जिमा या सोरेसिस जैसी बीमारी स्किन जिसमें हार्ड हो जाती है उसके प्रयोग में आता है और ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसको लेने के लिए कई कंपनियां शूलिनी यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रही हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी का हमेशा रिसर्च की तरफ तवज्जो रही है। हम जो समझते हैं किसी भी विश्वविद्यालय ने आगे जाना है पढ़ाई में अदरी चीज़ों में चाहे ग्लोबल रैंकिंग में उसमें रिसर्च का महत्व उनको आगे ले जा सकता है। हमारा विषय यही है, हमारा चिंतन यही है कि हम किस प्रकार भारत की दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में 2022 में आगे आ जा सकते हैं। आज जो हमारी रिसर्च क्वालिटी के पैरामीटर आज हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटी आ गई है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।